कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। किसान सम्मान योजना है।
तो ये उनकी नियत है, ये सिर्फ अपनी सत्ता देखें किस तरह से अपनी सत्ता बने। हम उनका यहाँ प्रचार देखी या देखी है, जहाँ जहाँ जाते हैं उधर प्रचार करते हैं की बातें। और मैंने सुना है कि प्रधानों को आजकल वोट देने की उसको जेल में डाला गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून डाला गया,
स्वतंत्रता व्यक्त करने का लोकतंत्र का मतलब है जनता की शक्ति जनता के हाथों में, जनता की आवाज उठे, नेता सुने, आदर करें जनता का। आप यहाँ हमें डांटते हैं, शिकायत करते हैं, इस तरह बन जाती है कि दो और बनाओ तो हम दुखी तो नहीं होते ना। रोना नहीं शुरू करते, डांटते नहीं है, प्रताड़ित नहीं करते, कोई आपको ऐसा नहीं कहता अच्छा आपकी आवाज उठाई जा रही है, चुप रहो, हिम्मत कैसे हुई, कोई नहीं कहता ना। राहुल जी आते हैं आपसे मिलते गाँव में, पूछते हैं आप डर चलो, पुराना सिस्टम है पिताजी के समय से याद है, और वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं कि आप जागरूक हैं, आप अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो भाजपा की सरकार है, ये चाहती है कि जनता की आवाज बंद हो, ये चाहती है कि जनता मजबूत न हो, खुद मजबूत हो। सरकारी जनता की पहचान, जनता का आदर, जनता अपने अधिकार मांगे, आपको अगर समझ सिखाए कि आपने काम नहीं किया चलिए जाइए अगली बार देखेंगे तो आप खुश हो, ये होती है राजनीति शक्ति। ये राजनीति शक्ति आपने देखी है, आपने ऐसे नेता देखे हैं जो आपका आदर करते हैं, जो जानते हैं यहाँ अगर मंच पे खड़े हुए आपको भाषण दे रहे हैं तो आपकी बदौलत है, आप बदल रहे हैं, होने को दीजिए किसी को। और मैं आपकी क्या मिसाल देती हूँ, यह घर में अमेठी की जनता से सीखिए, चार लोग जनता है, अपनी समस्याओं को समझती है, अपनी समस्याओं का हल चाहती है और किसी की बातों में गुमराह नहीं। राहुल यमराज जिंदाबाद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।